सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाला हूं अली बाबा के बारे में। अली बाबा जो सीरीज चल रहा है सब टीवी पे, उसका अपडेट लेकर के आ चुका हूं। सो अभी तक कहानी में क्या दिखाया गया उसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो का एंड तक जरूर देख। अली बाबा के गले में एक तिलिस्मान है जो कि उनके डैड ने दिया था। इबलीस को मारते वक्त में उस तिलिस्मान को जो है अपने बेटे को दे देते हैं, जो कि आपने एक सीन में देखा होगा किस तरह से दिया है। और वो तिलिस्मान जो है दो हिस्से में बट जाता है। एक हिस्सा जो है शहजादी के पास में रहता है, शहजादी मरियम, और वहीं दूसरा हिस्सा जो है अली बाबा के पास में रहता है। पर अली बाबा को इस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में ये दिखाए गए हैं कि भाई वो तिलिस्मान जो है काम करता है। काम करने का तरीका ये है कि वो तिलिस्मान का जब दोनों हिस्सा एक साथ होता है या फिर आसपास होता है, उसी वक्त में जो है अली बाबा कुछ भी कहेंगे वो चीज सच हो जाएगी, या फिर जो शहजादी है वो भी अगर कुछ कहेगी तो वो सच हो जाएगा। दोनों के पावर्स काम करने लग जाते हैं उस वक्त, और इस चीज के बारे में दोनों में से किसी को भी एहसास नहीं है कि वो क्या शक्तियां लेकर घूम रहे हैं। अब वहीं पे जो है सिमसिम जो अपने महबूब यानी इबलीस को जिंदा करना चाहती है, 40 चोरों को आजाद करके वो काबुल में भेज चुकी है और वो लोग जाकर के जो है ढूंढ रहे हैं तिलिस्मान। और कुछ ही एपिसोड पहले मुझे समझ में आया कि क्यों शहजादी को इनाम के तौर पर सिमसिम को देना चाहता है उसका मामा। मामा का नाम मैं भूल गया, सद्दाम, याद आया, सद्दाम। सद्दाम जो है मामा है और वो अभी बन चुका है काबुल का शहंशाह। काबुल का मतलब किंग बन चुका है, अब उसके अख्तियार में है पूरा काबुल। वाओ, मैं कितना अच्छा उर्दू बोल लेता हूँ, बोल सकता हूँ। और अभी काबुल के ऊपर में दुगना लगान देना पड़ेगा। हाँ, उसने कुछ ऐसा ही बोला। तो अभी सिमसिम को तोहफे के तौर पे शहजादी को देना है, इसी वजह से जो है सद्दाम ने अपने लोग लगा दिए पूरे काबुल में कि जाओ जाकर के ढूंढ करके लाओ शहजादी को और हम उसे देंगे तोहफे में सिमसिम को, जिसके बदले में मिलेगा बे इंतहा दौलत, बे इंतहा पावर। तो भाई उसके लिए लगे पड़े हैं लोग। अब लोग जो है उसको पहचानेंगे सिर्फ दो वजह से, एक कि वो शहजादी है, इसका कोई मतलब नहीं होता, कोई सेंस है इस बात का। दूसरा कि उसके हाथ में एक निशान है। अब वो निशान जो है अली बाबा ने देख लिया और वो पहचान चुके हैं कि शहजादी कौन है, लेकिन इस एपिसोड को खींचने के लिए उसका चेहरा नहीं दिखाया और अली बाबा अभी सिर्फ लेकर घूमते रहेंगे। सीरियस पॉइंट पे आते हैं। तो अली बाबा ने देख लिया है शहजादी के हाथ में वो निशान, जो कि भाई शाही होने का निशानी होता है। और बीच बीच में कॉमेडी भी था, मतलब अली बाबा और उसके दोस्त के बीच में से जो है नान उड़ा देती है, उसके बाद से जादू से आया हुआ कबाब वो भी उड़ा देती है। वाह, शहजादी नहीं, एकदम प्रो लेवल की चोर है। उसके बाद से दिखाया जाता है कि शहजादी खुद ही अपना वो तिलिस्मान का हिस्सा जो कि नायाब कहला रहा है उसको बेचने निकल जाती है काबुल के बाजार में, और वहां पे जो है 40 चोर में से एक चोर जो है वही चीज ढूंढता हुआ घूम रहा है और उसी को जाके कहती है नक नक, क्या आप मेरा ये तिलिस्मान ये नायाब खरीदेंगे? लेकिन हमें चोमू बनाया गया, क्योंकि अगले ही एपिसोड में वो सीन को कट कर दिया और दिखाया गया कि भाई अली बाबा जो है अनाउंस कर रहे हैं कि भाई आपके पप्पा के जो है फेयरवेल रख रहे हैं, आ जाओ उसी बहाने हम तुमको ले जाएंगे और मिलेगा कुछ इनाम जिसको लेकर के हम बनेंगे अमीर और मामूली गली से निकल कर आएंगे शाही सड़क पे। तो भाई ये हो ही रहा होता है। उसके बाद से सामने में आ जाता है वही चिलगुजे लोग जो आकर के अपना टाइम पास करते रहते हैं, मतलब अली बाबा का जो अभी राइवल है शाही सड़क से, मामूली गली और शाही सड़क के बीच में, अभी देख रहे हो कितना फ्लुएंट हो चुका हूं नाम के साथ। तो मामूली गली और शाही सड़क के बीच में जो है अभी एक अच्छा सा गुलू गुलू चल रहा है जो सिर्फ दिखाने वाला है, तो भाई उसके हिसाब से चला रहे कहानी जो कि टाइम पास चल रहा था। तो चलो पहुंचते हैं फाइनल एपिसोड तक। फाइनल एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि वो अली बाबा के घर से कपड़े चोरी करके चली गई और यहाँ पे होती है कुछ कॉमेडी, मतलब अली बाबा के सामने में जीती जागती बंदी खड़ी है, वो उसको लड़का समझ रहा है, मतलब अली बाबा को समझ रहे हो, यही वो बंदा है जो काबुल को बचाने निकला है। यार रोस्ट नहीं करना यार, रिव्यू करना। यही वो बंदा है जो कि काबुल को बचाने चला है लेकिन उसको लड़का और लड़की का फर्क नहीं पता। सामने में तुमको दिख नहीं रहा है क्या बे? उसको खुली आवाज में लड़की वाली आवाज में बात कर रही है फिर भी तू तू लड़का के हिसाब से उसको ट्रीट कर रहे हो। दैट इज द मेन रीजन दैट आई हेट इंडियन सीरीज, जिसके अंदर में कोई लॉजिक का लेना देना नहीं होता। मैं तो बस अली बाबा 40 चोर की कहानी से थोड़ा ज्यादा लगाव रखता हूँ, इसी वजह से देख रहा हूँ, ना घंटा नहीं देखता मैं। तो उसके बाद से आगे दिखाते हैं कि शहजादी को जो है कोई और किडनैप करके ले जाता है, जो कि एक व्यापारी है जो कि काबुल में से लड़कियां उठा करके बेच रहा होता है, और उसको जो है शक होता है कि उसकी कलाई जो जली है तो हाँ कहीं पे जो है वो गिर जाती है और उसके हाथ से जो है वो शहनशाही वाला मतलब निशान वो गायब हो जाता है। और कितनी नॉर्मली खड़ी भी रहती है बंदी की, हाथ जल गया खड़ी है। अब वो कहता है कि भाई देखो शाही महल से किसी को बुला करके पूछ लो कि ये वही शहजादी है और अगर नहीं हुई तो हम इसको बेच डालेंगे। साला शहजादी नहीं, जैसे घर पे पड़ी हुई कोई पुरानी चीज है ओएलएक्स पे बेचने चले।
तो ठीक है, अभी कहानी यहाँ तक पहुंची और अली बाबा अभी तक उसको लड़का समझ रहा है और दोनों जो है गेम खेल रहे अपने दोनों तिलिस्मान के साथ में। मतलब चोमू जैसे तुम्हारे सामने में चमत्कार हो रहा है पर दोनों में से कोई एग्री नहीं कर रहे कि उनके बोले जाने पे हो रहा है ये, तो और काली जुबान कह रहे। वैसे काली जुबान और तिलिस्मान सेम होता है क्या? कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना। सो दैट्स इट, यहीं तक की कहानी इस हफ्ते दिखाई गई है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, आगे की थ्योरी क्या जाने वाली है? थ्योरी किस बात की, पूरा बकचोद सा सीरीज चल रहा है यार। जो भी है जाके कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ तक का था मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। लास्ट वीडियो में भी पूछा था, इस वीडियो में भी पूछ रहा हूँ, ये लाइन मैंने कहीं से चेपा है, रणवीर सिंह ने बोला है, बताओ कहाँ पे बोला था जिसको मैंने चेप दिया है अपने दोनों चैनल के लिए।